हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एगलेस पाइनएप्पल केक, बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट से। कंडेंस मिल्क कुछ भी नहीं चाहिए, डेकोरेशन भी हम दिखाएंगे। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 कप चीनी का पाउडर, 1/2 कप दही, 1/2 कप ऑयल। ऑयल में बस ओडर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑयल ले। 3/4 कप मिल्क, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, पाइनएप्पल एसेंस और 1 कप टीन ले ले, जिसको आप ग्रीस कर ले। और व्हिपिंग क्रीम रख लीजिएगा, व्हिपिंग क्रीम 2 कप व्हिपिंग क्रीम लीजिएगा और 1/2 कप चीनी का पाउडर या आइसिंग शुगर। और जो व्हिपिंग क्रीम होगा वो थोड़ा मीठा होता है, तो अगर आपको मीठा बढ़ाना है तो वो भी बढ़ा सकते हैं। अब चलिए हम लोग केक का स्पॉन्ज बनाएंगे। यहाँ पे हम सारे जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं इंक्लूडिंग शुगर पाउडर, वो हम लोग सब एक साथ डाल देंगे। दही, चीनी, तेल, दूध, फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जितने अच्छे से आप फेटेंगे ना, उतना अच्छा आपका केक बनता है। मैं कंडेंस मिल्क से भी केक बनाती हूँ, सिर्फ दूध से भी बनाती हूँ और इससे ही बनाती हूँ, तो अच्छा होता है, इट्स गुड। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब सोचना ही नहीं है। अच्छा, अगर पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे पाइनएप्पल कैन यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलता है। लेकिन मैं यहाँ कर रही हूँ कि पाइनएप्पल ले आए फ्रूट को, उसके स्लाइसेस किए और प्रेशर कुकर में 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून शुगर डालकर 3 सीटी लगा लिया। उसके बाद वो पानी को प्रिजर्व करेंगे सोक करने के लिए, और जो पीसेस आपने बड़े बड़े काटे थे उसको चंक कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि वो केक के बीच में डालें। तो आप जब खाएं तो आपको मुंह में बाइट्स आए, तो बहुत सही लगता है। तो आप जो लगे, आपको पूरा फ्रूट से बनाना है तो आप फ्रूट से बनाएं, नहीं तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। बस जब आपका ये लिक्विड अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप यहाँ पर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमेशा छान कर डालना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोशिश करें कि 2 से 3 स्टेप भी 2 बार भी आप छान सकते हैं, और थोड़ा हाइट से, उससे एयर मतलब वॉल्यूम मिलता है, एयर भरता है आपके बैटर में। और अगर और आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट करना है तो आप चाहे तो मैदा से 2 टेबलस्पून मैदा निकाल कर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दे, तो और सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है। वैसा भी मैं बनाती हूँ, तो हर एक वेरिएशन है। और यहाँ पे आपको ओवर बीट नहीं करना है, बस इंश्योर करना है कि आपका केक मिक्स हो जाए। देखिए, फिर थोड़ा सा स्पैटुला या जो भी चम्मच या स्पून जो ले आप, उससे अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि ऊपर का साइड का वो ऐसे रह जाता है। बस इंश्योर करना है कि वह अच्छे से मिक्स हो जाए और जिसकी कंसिस्टेंसी है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो। और ये प्रोसेस करते समय जब आप स्टार्ट करें तभी आप अपना ओवन ऑन कर दें 180 डिग्री प्री हीट करने के लिए, वो गर्म होता रहेगा। अगर आपको कढ़ाइयाँ बनाना है तो सेम कढ़ाई को भी गर्म करने के लिए रख दीजिए। बस ये केक का बैटर रेडी हो गया है। और आपको टैप करना ज़रूरी है जब आप डाल देते हैं, ताकि जो भी एयर बबल्स है वो सब निकल जाए, और फिर आप डाल दीजिए। 30 मिनट में हो जाता है, बट 25 मिनट से आपको वॉच करना होगा, क्योंकि सबका ओवन अलग होता है, सबका टेम्परेचर अलग होता है, और कभी 40 मिनट तक भी जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो बस अभी ये केक बैटर जो है ओवन में जाएगा। ये देखिए मेरा स्पॉन्ज रेडी है, कितना सुंदर लग रहा है। और चेक कैसे हुआ है कि होगा, बस आपका ये टूथ पिक क्लीन आना चाहिए। उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए, टच भी मत करिएगा, मिनिमम 1 घंटा इसको छोड़ दीजिए। जब ये कूल डाउन हो जाएगा फिर इसको हल्का हल्का साइड साइड से थोड़ा क्लीन करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे पैलेट नाइफ इंसर्ट कर रही हूँ, आप नॉर्मल नाइफ भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग इसको उल्टा करेंगे, आप इसका कलर देखिए, और ये ऐसे ही बहुत टेस्टी होता है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम डेकोरेशन की तरफ जा रहे हैं। हमें ये 3 हिस्सों में आप बांट लीजिए, स्लाइस कर लीजिए, और मैं ऊपर का थोड़ा ट्रिम कर रही हूँ। बस अब जो प्रेशर कुकर में जो पानी था, एज इट इज़ आपको पानी यूज़ करना है, कुछ नहीं करना है उसमें। और आपको 3 सीटी में बस उसको देखना है सॉफ्ट हो जाए। देखिए ये घर का फ्रूट है पाइनएप्पल का, और कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ऐसे ही 3 लेयर सब सोक करना है। आप चाहो आपको क्रीम ज़्यादा लगाना है, कम लगाना है, आपके हाथ में है। अगर जो बिगनर्स है वो पाइपिंग बैग में भर कर 1 लेयर बना सकते हैं। मैं तो बहुत साल से केक बना रही हूँ, तो मुझे तो यही कंफर्टेबल लगता है। बस आप ये 3 लेयर रेडी कर ले और उसको अच्छे से सोक करें, और ये जितना भी जहाँ पे भी जगह खाली है उसको अच्छे से क्रीम भरे, तो इसको बोलते हैं क्रम कोटिंग। और ये करने के बाद आपको फ्रिज में रखना है, आधा घंटा रख दीजिए। उसके बाद थोड़ा केक स्टेबल हो जाता है, फिर इसके साथ काम करने में आसानी होता है। तो बस अब हम सिर्फ क्रम कोट कर रहे हैं ताकि सारा हो जाए,
अब ये केक हमने निकाल लिया है फ्रिज से, अब हम इसको क्रीम से डेकोरेट करें। आपको अच्छे से भर भर के क्रीम डालना है इस स्टेज में, तभी आप केक को स्मूथ कर पाएंगे। तो देखिए केक कहाँ से शुरू हुआ था, अब हम लोग किस स्टेज में पहुँच गए हैं। और आपको थोड़ा सा एक स्क्रेपर होता है प्लास्टिक का, मिलता है ईजिली, और अगर घर में तो कोई फाइल वाइल है आप उससे भी कर सकते हैं। टर्न टेबल नहीं है तो एक छोटी सी कटोरी रखें और उसके ऊपर एक प्लेट उल्टा रख दीजिए, आपका टर्न टेबल का काम करेगा, उसके बिना भी काम चल जाता है। मैं बस इसे एजेस को शार्प कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्लैट टॉप चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अच्छा, टॉप का जो है ना हल्का सा निकालना है फिर क्लीन करना है, हल्का सा निकालना है स्पैटुला को क्लीन करना है। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा टॉप से नहीं लिया गया है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं ध्यान रखूंगी। देखिए मैं बस हल्के हाथ से ही कर रही हूँ और बार बार आपको क्लीन करना है। और ये मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि अननेसेसरीली वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और पेशेंस ख़त्म हो जाता है लोगों का। फिर बस अब मैं इसका हेयर बना रही हूँ। आप ये पेटल वाला नोजल ले लीजिए, और जो वही सेम क्रीम है थोड़ा सा बचा लिया था कलर डालने से पहले वाइट के लिए, आप ट्विस्ट कर सकते हैं, आप इसमें ब्लैक कर सकते हैं। बस अब हम फॉन्डेंट से डेकोरेट करेंगे। अगर आपको ये सब प्रोसेस, आपको मेरा चैनल सब कुछ अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं केक भी बनाती हूँ, कुकीज़ भी बनाती हूँ, चॉकलेट भी बनाती हूँ, कॉकटेल मॉकटेल ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं बनाती, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दें, आपके मोटिवेशन के बिना आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए इस तरह से हम इसका चश्मा बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप फॉन्डेंट नहीं यूज़ करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रीम को कलर कर ले, थोड़ा सा कलर डाल दे। और इसमें अब हम यहाँ पे हम वाइट से किए, तो आप चाहे तो सिर्फ ब्लैक से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो केक हम एक बच्चे के ग्रैंडफादर के बर्थडे के ओकेशन में बना रहे हैं, वही फादर्स डे आने वाला है, आप लोग इसे ट्राई करिए, बिल्कुल घर का है, कोई केमिकल नहीं, प्रिजर्वेटिव नहीं। मुझे यकीन है कि आप लोग सबको ज़रूर पसंद आएगा। आप प्लीज़ अपने कमेंट्स बताइए कैसा लगा, कैसा बना आपका, कोई दिक्कत है कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे सेफ।